हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 9 मार्च को राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे ऐसे ही अपलोड्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स राजस्थान पुलिस में 9 मार्च को, वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे जो वीडियोस हमने अपलोड किए राजस्थान पुलिस के नाम से उसी से हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन था, वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था? और इसका उत्तर है 30 मार्च 1949 में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, जो हमें स्टूडेंट से पता चला है, वो है हामिर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? और इसका उत्तर है नयन चंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये भी क्वेश्चन था जो हमारे वीडियो से ही है और इसका उत्तर है 6 वर्ष। शेखावटी का गांधी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बद्रीनाथ सोढ़ानी। आगे बढ़ते हैं, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? वो जिला है झालावाड़। आगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? गोडावन पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस किले के लिए कहा गया है अन्य सभी किले तो नंगे हैं, यह किला बख्तर बंद है? रणथंभौर किला। सारे प्रश्न मैक्सिमम हमारे वीडियो से ही है फ्रेंड्स। राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? किराडू मंदिर, जो बाड़मेर में स्थित है, उसे राजस्थान का खजुराहो मंदिर कहा जाता है। सवाई माधोपुर में चौथ का बड़वाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है फ्रेंड्स। मथेरन किस जिले की लोक कला है? बीकानेर की है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? वह मंदिर है भांडा शाह जैन मंदिर, जो बीकानेर में स्थित है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है, जो हृदय में लगाया जाता है आर्टिफिशियली। आगे बढ़े फ्रेंड्स, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रुंटजन ने किया था। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा, और वो सबसे कठोरतम पदार्थ भी है। मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि जो है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करें। हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी अभी आप देख सकते हैं और हम आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहेंगे राजस्थान पुलिस में पूछे गए प्रश्नों के। थैंक यू फ्रेंड्स।